उत्तराखंड में आई तबाही के बीच दो दिनों से टापू पर फंसे लोगों का नेपाल आर्मी ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। उनके रेस्क्यू के लिए नेपाल आर्मी ने हेलीकॉप्टर का सहारा लिया। उत्तराखंड के चंपावत में नदी के बीच टापू पर फंसे नेपाली नागरिकों को नेपाल आर्मी ने सुरक्षित बचा लिया। नेपाल आर्मी के इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो भी सामने आया है। चंपावत जिले के टनकपुर के पास भारत नेपाल सीमा से लगे खालमा इलाके में कुछ नेपाली नागरिक बाढ़ में फंस गए थे। महाकाली नदी के बीच टापू पर फंसे नेपाली नागरिकों को बचाने के लिए नेपाल आर्मी की टीम को बुलाना पड़ा। नेपाल आर्मी ने फंसे नेपाली नागरिकों का हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया। भारत नेपाल सीमा के पास खालमा गांव में शारदा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से ये लोग बाढ़ में फंस गए थे। पिछले दो दिन से ये नेपाली नागरिक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते रहे। आखिरकार इन्हें बचाने में नेपाल आर्मी को कामयाबी मिली। 18 और 19 अक्टूबर को भारी बारिश की वजह से चंपावत के टनकपुर समेत उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी तबाही मची। पड़ोसी देश नेपाल के सीमावर्ती इलाके भी इससे नहीं बचे। नेपाल के खालमा के लोगों ने समय रहते गाँव छोड़कर अपनी जान बचाई, लेकिन 5 नेपाली नागरिक गाँव में ही फंसे रह गए थे। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।